Located at a distance of around 40 kilometers from Ranchi district lies Barid village in Bero block, where 50-year-old Shamina Khatun has been taking forward the mission of adult education. She has been doing this since 1997. Until now, she has been successful in educating around 20,000 women of 226 villages. But the thing that makes her stand out is a selfless service towards women of all castes and communities. यहाँ जब सुने कि मतलब अनपढ़ लोगों का पढ़ाई मत साक्षरता अभियान होने चालू हुआ है तो दीदी से मिले और सबको मिल के हम लोग मतलब पढ़ने के लिए आने के मतलब पढ़ने आने के लिए समय का एक मतलब सूची रखे कितना टाइम में हम लोग पढ़ने जाएंगे. इसी वजह से अपने से हम घर का काम काज करके बच्चा लोग को स्कूल भेज के और हम लोग पढ़ाई करने आते थे, जो कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम चाहे सबको मिलजुल के हम लोग सब बैठते थे और पढ़ाई करते थे. यहाँ पर सब एक मत से एक भाईचारा के हिसाब से हैं. यहाँ हिंदू मुस्लिम टना भगत बंगाली ईसाई ये सारा कास्ट के हैं और ये सभी कास्ट के एक दूसरे से अपना परिवार जैसे रहते हैं. The women whom Khatun teaches are the ones who could not receive education when they were young due to some financial or other crisis, but had the desire to study. मेरे माँ बाप बहुत गरीब थे तो हम लोग 6-7 भाई बहन हुए तो हम लोग को तो पढ़ाने में दिक्कत हुआ मेरे बाप को और ये प्राइवेट नौकरी करते थे तो उससे घर का खर्चा भी नहीं चलता था तो हम लोग को पढ़ाई लिखाई के लिए उसका पास पैसा कम पड़ा तो इसी वजह से हम लोग पढ़ नहीं पाए तो यहाँ आए तो समीनाबादी से एक रोज भेंट हुआ बेड़ों में तो बोली ऐसा ऐसा बात है रे कह के तो हम लोग बोले ठीक है आइए हम लोग सब मिल के पढ़ेंगे. सबको बोले इधर उधर से जुटाए तो सब बोले कि हाँ चलो ठीक है हम लोग जब मिल के घर में कोई हमको पढ़ाएगा कुछ बताएगा कुछ सिखाएगा तो हम लोग काहे नहीं सीखेंगे. It was not an easy task for Khatun to convince the women folk to study. She encountered a number of problems, but slowly and steadily women started understanding the importance of education and began attending her classes. Now they just enjoy the company of each other, no matter which religion or caste they belong to. पहले तो बहुत मुश्किल था, कहे कि उसका जो हस्बैंड थे, सास थे, ननद बहू, ये लोग तो बोल रहे थे कि क्या पढ़ेगी, उतना दिन पढ़ने नहीं सकी. अब ससुराल में रह के क्या पढ़ना, पढ़ लिख के क्या करेगी. उन लोग को मोटिवेशन करने में हमको बहुत दिक्कत हुआ, लेकिन उन लोग को घर घर जाके एक एक करके सबसे मिले और उन लोग से उन लोग को बताए शिक्षा के बारे में कि शिक्षा क्या होता है. तो वो लोग कुछ दिन तक तो नानुकुर कर रही थी, लेकिन देखा देखी एक आई दो आई तीन आई करते करते सारा महिला लोग पढ़ने का जो जानकारी या महत्व हम बताने लगे वो लोग सुनी और जब पढ़ रही है तो मिल के सब आ जाते, अभी कोई दिक्कत नहीं. Thus, by educating women, irrespective of their caste and creed, Shamina has set a great example of communal harmony to the society.